माई डियर फ्रेंड, माई फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू माई चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वन ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेके वन ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको गाइडेंस के साथ बताऊँगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। ठीक है, वन ईयर फ्रॉम नाउ, ऑलराइट। और ये जो आपकी रीडिंग होगी, जब भी आप देखोगे, टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, और जर्नलिस्ट रीडिंग होगी, सभी के लिए ये रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैं करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, हर कुछ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और जनरल रीडिंग की तरह आप लोगों को देखना है। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि पायल सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो आप पायल वन को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊँगी। ठीक है, और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पायल टू आपकी रीडिंग होगी। और मैंने कार्ड भी रखा है, जो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते उनके लिए कार्ड है, ये देख सकते हो, दिस इज़ फॉर पाइल वन। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके अपने कार्ड या फिर नेम को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख पाओ। दिस इज़ फॉर पाइल वन, एंड पाइल टू के लिए है आपका दिस वन। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद या तो आपका नेम ए से एम के बीच में आता होगा। ठीक है, और राइट। देखिए, एक जो मैंने सफल करके कार्ड लिया है ना आपके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप सभी के लिए पाइल वन। वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप एक कमज़ोर से पर्सन थे, ठीक है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न प्लान वगैरह नहीं कर पाते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा प्लान कर रहे हो। सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्लान कर रहे हो अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अपने लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, उन्नति के राह पर चलने के लिए आप लोग बहुत सारे प्लान कर रहे हो और पूरी तरह फोकस्ड हो। ठीक है, किसके ऊपर, तो खुद के ऊपर फोकस हो, अपने एम, अपने गोल के ऊपर फोकस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो पहला कार्ड ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, जो लाइफ का मतलब पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, उसको समझ पा रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको और बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग पॉजिटिव रहिए। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, दैट्स ग्रेट। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप काफ़ी जल्दी एक नया स्टार्ट करोगे। ठीक है, नया स्टार्ट वो अपना बिजनेस का हो सकता है, अपने करियर का हो सकता है, अपने जॉब का हो सकता है, साथ साथ आपका लव लाइफ भी हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि आप डाइवोर्स लेकर न्यू मैरिज करोगे, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो क्लियर है कि आप एक नया शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में, एक नया स्टेप ले रहे हो और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि वन ईयर फ्रॉम नाउ आप क्या करने वाले हो। तो एक नई शुरुआत कर रहे हो जो कि आपको एक उन्नति की राह, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, तो एक नई शुरुआत हो रही है, और क्या हो रहा है आपके लाइफ में, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है कि बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि सिचुएशन को गलत नज़र से देखते थे, ठीक है, गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन को अच्छे तरीके से देख रहे हो। देखिए, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए या खुशी आए, खुशी आए तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर लेते हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है ना सिचुएशन को समझोगे, उसको प्यार से समझोगे। ठीक है, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करोगे
यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे से ढंग से सभी से प्यार से बातें भी करोगे और जैसा कोई सिचुएशन है काफ़ी हंस कर उस चीज़ को फेस करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑल राइट, प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो अपने आप को एक दायरे में लिमिट करके रखे हुए थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने लिमिटेशन के बियॉन्ड जा रहे हो। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ कि आप लोग जो है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, जो कि मैं आपको आप सभी को हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जो है ना बहुत बड़ा डिज़र्व करते हो, बहुत कुछ डिज़र्व करते हो इस दुनिया में। ठीक है, और आपके पास वो सुपर पावर है। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो, अपने लाइफ में ला सकते हो, तो फिर आप क्यों छोटा सोच कर अपने ज़िंदगी को छोटा बना रहे हो। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है अब मेरी बात समझने वाले हो और कुछ बहुत बड़ा करोगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ आपने कभी सोचा नहीं वो सारी चीज़ आपको मिल रही है और वो आपके मेहनत की वजह से मिल रही है, क्योंकि आप खुद ही जो है स्टेप ले रहे हो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और स्टेप ले रहे हो, और इस वजह से आपको बहुत कुछ अपने लाइफ में देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको अपने लाइफ में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, लाइफ हमेशा मौका देते रहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ बड़ा करें, दुनिया में नाम करें, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, यहाँ पे भी पहला मैसेज भी आपके लिए प्लान का आया था, यहाँ भी प्लान का ही कार्ड आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी इस रीडिंग को देख ले रहे हो ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। वो ये है कि आपने सपना देखा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा बोलूँगी जब आपका एक सपना कंप्लीट हो जाए तो एक सपना और ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें एक प्रैक्टिकल प्लान देने की ज़रूरत है, मतलब कि मेहनत उसमें करने की ज़रूरत है, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इनिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ड्रीम्स बनाकर रखोगे तो वो हमेशा सपना ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रीम्स आपके हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान मतलब उसको करके दिखाना है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इस चीज़ को आप समझ रहे हो साथ साथ और अपने ड्रीम्स के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हो, मतलब प्लान सेट कर रहे हो, ये चीज़ तो है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस हो अपने ऊपर। देन यहाँ है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सारे लोग जो है मुझे लेजीनेस दिखाई दे रहा है आप लोगों में। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि भगवान, एंजल, सभी लोग आपसे कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि आप जो है बैठे ना रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है, वो पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ लाइफ में हासिल कर सकते हो। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना आपका, ये काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल टाइम है, इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लोगे तो बहुत कुछ आपको ज़िंदगी में मिलेगा, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को समझिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए यहाँ पे मैसेजेस बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि आपको बड़े तरीके से हायर पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आप कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल कार क्यों खरीदोगे, आप बड़े कार के लिए सोचो, रोल्स रॉयस के लिए सोचो। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है उसके लिए भी मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन हाँ आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो सब भी तो इंसान ही है ना, और आप भी इंसान हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, और मैं हमेशा यहाँ रहूँगी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आप लोगों के लिए प्रे हमेशा करते रहूँगी ताकि आप लोगों को हर चीज़ मिलते रहे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए ड्रीम्स से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपका ड्रीम प्यार का ही क्यों ना हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत हेल्पफुल सपोर्टिव पार्टनर मिले, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि हाँ वो आपको मिलेंगे, बस आपको अपने सपने में भरोसा रखना है। ठीक है, आप अगर अपने सपनों पे फेथ रखते हो, भरोसा रखते हो ना, काफ़ी कलरफुल आपका क्या होगा, ज़िंदगी होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ऑलराइट, देन आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गॉड मून गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाह दैट्स ग्रेट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले यहाँ ये दिखाया गया कि आप जो है प्लान कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, उसके बाद चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से बिगर पिक्चर की तरह देख रहे हो,
ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और सभी से अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो, ओके, देन यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने ड्रीम्स पे आपको भरोसा है और उसको एक प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्शन ले रहे हो। ये सारी चीज़ें 1 ईयर फ्रॉम नाउ होते हुए दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके मन में शांति आ रही है, आप किसी नेचुरल प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, अपना कोई बहुत सुंदर सा घर बना रहे हो नेचुरल प्लेस पे, ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, कोई आउटपुट नहीं है, तो ऐसा कहा जा रहा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे कि आप रिलेशनशिप के चक्कर में ना अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़, मेरी विनती है आप लोगों से कि अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपके पर्सन आपको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बोलते हैं, तो या फिर अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उस रिलेशनशिप से निकलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कुछ बड़ा पड़ा और बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ आपके लिए सेट है, वो सब कुछ आपके किस्मत में है, आपको मिलेगा। तो कहा जा रहा है ना कि अभी आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप अपने आप को ज़बरदस्ती उसमें रखे हुए हो, तो उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई आउटपुट नहीं होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि उस चीज़ से जितना जल्दी हो सके, हो सकता है ना, निकल जाइए। और ये मैसेज रिलेशनशिप के लिए ही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी से झगड़ा होता है तो ये भी कहा जा रहा है कि वो झगड़ा करके ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर कोई इंसान है, ठीक है, जो कि आपको ना हमेशा ब्लेम कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, अगर हो सकता है कि आपके अगल बगल आस पड़ोस में रहता है, ठीक है, आपके टैलेंट को देखकर उसको पता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, और जानबूझकर वो आपसे जेलस फील करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप के ऊपर उल्टे सीधे टाउंट करता है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो बात है, ठीक है, जो कि वो जानता है और आप खुद नहीं जान रहे हो, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं अगर आपके अगल बगल में, तो उसको इग्नोर कीजिए, या तो वहाँ से निकल जाइए, या तो आप इग्नोर कीजिए, धीरे धीरे उसका वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी बोलना, क्योंकि अगर आप उन सारी चीज़ों में चक्कर में लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे तो आपका ही लॉस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आप देख सकते हो मैंने आपके लिए जो बोला बस वही मैसेज भी आया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी इंसान निगेटिव है आपके लिए, आपको निगेटिव करता है, वही तो निगेटिविटी है ना आपके लाइफ का, उसको रिलीज़ कीजिए अपने लाइफ से। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, ये कि जो भी आपके लाइफ को बुरा बना रहा है, निगेटिव कर रहा है ना, आप लोग उसको अपने लाइफ से जितना जल्दी हो सके डिलीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रास्ते में ना कांटा, पत्थर, ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि वो अपने लाइफ में तो कुछ नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करने देंगे, आपको भी, आपका भी पैर जो है खींच कर अपने गड्ढे में ले आएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है उन सारे लोगों से ऊपर उठिए, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल के हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सनल इशू होंगे ना, लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है आपका मूनोलॉजी डेक के थ्रू, वो है ओके टाइम। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत मेहनत करोगे, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस टाइम आपको ना अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोग जो है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना, अपने हेल्थ के ऊपर स्पेशली, ठीक है, अपने हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो आपके चेहरे पे भी चार्मिंग रहेगी, आपके, आपका लुक्स भी अच्छा रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपके पास बहुत सारे धन संपत्ति होंगे, जब हो जाएंगे तब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा देने में यकीन कीजिएगा, ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग जैसे होता है ना, तो रिसीव करने की जगह आप गरीब बच्चों की मदद करना शुरू करना, जो भी अनफॉर्चुनेट पीपल है, ठीक है, जो डिजेबल है, प्रॉब्लम है, उनकी आप मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाओ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो,
तो उस वक्त जो है आप लोगों की मदद करना शुरू कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेंस, आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होगा और उनसे आपकी शादी होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। इक्वालिटी दिखाई दे रहा है उस रिश्ते में। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जो है, आपके जितने डर होंगे ना, वो सारे डर आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि आप डरोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डराती हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक साल बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस देते हैं, आपको परेशान करते हैं, कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि उस लोगों को डिलीट कीजिए, साथ साथ कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए आप लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी क्या मैसेजेस है। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस उड़ कर आए हैं, फॉलन कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो सक्सेस का कार्ड है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि कार्ड्स आपके लिए खुद उड़ उड़ कर आ रहे हैं, ठीक है। न्यू स्टार्ट जो है आप अपने लाइफ में करने वाले हो, वो है सक्सेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है निडल, एंड निडल का कार्ड है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो विश है, जो बहुत इंपॉर्टेंट विश, सपना जो कि आप बहुत मन से लगन से सोचते थे, ठीक है, करना चाहते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वो विश जो है पूरे होंगे। आपका जो विश है विल बी ग्रांटेड, ठीक है। आपका जो विश है वो आपको मिल कर रहेगा। देन यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, समवन इज़ एक्सट्रीमली, जो कुछ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, ठीक है, जो कि चेंज बिल्कुल होना नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो, तो कहने का ये मतलब नहीं है कि वो बुरे होंगे, बस ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू भी होता है, तो वो थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, और वो चेंज नहीं होना चाहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत लाइफ को इन्जॉय करोगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, फन है, इन्जॉयमेंट है, ठीक है, फन है, इन्जॉयमेंट है, मतलब अपने इनर चाइल्ड पे भी आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब एक बच्चे की तरह अपने लाइफ को इन्जॉय करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। देन यहाँ पे ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है कि आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो किसके ऊपर, मतलब ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स सब खत्म हो रहे हैं और आपका जीत जो है ना देखा जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, दिस वन हैप्पीनेस, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। एंड देन क्या है आपके लिए कार्ड, 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैरियर, देखिए कैरियर से ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, कैरियर से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे एक मंथ का कार्ड है, वो है जून का, देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले जो नेक्स्ट ईयर आएगा जून में, तो हो सकता है जून में आपका रिजल्ट आए या फिर उस टाइम तक आपका जॉब लग चुका होगा, और ये भी दिखाई दे रहा है कि उस टाइम तक आपकी शादी भी हो चुकी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गुड लक का भी कार्ड है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, स्पेशली मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि घर के कुछ भी सामान हो गए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि आपके घर पे ना हो, ठीक है। आपका घर जो है बिल्कुल फुलफिल दिखाई दे रहा है, आपके विशेष फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश हैं, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, वो जो पर्सन है थोड़े से बड़े हो सकते हैं आपसे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, आप जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट पाथ पे हो, अभी ही ऐसा दिखाई दे रहा है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ठीक है, मतलब आप जिस पाथ पे हो वो आपको सक्सेस तक ले जा रहा है। ये कार्ड आना चाह रहा था, वो है लव का कार्ड, ठीक है, प्यार का कार्ड है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में डेफिनेटली जो एक नई शुरुआत हो रही है ना, वो एक प्यार की शुरुआत हो रही है, और आपके सक्सेस भी आपको मिल रहे हैं। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देन यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, और
द एंड ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ से ना कोई जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आपके लाइफ से निकल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी निगेटिव पर्सन है आपके लाइफ को निगेटिव बना रहे हैं, निगेटिविटी आपके लाइफ में भर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको अपने लाइफ से खुद ही आप आउट करोगे या फिर वो खुद ही आपके लाइफ से चला जाएगा और ये जो बुरा सिचुएशन चल रहा है वो आपका सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब होगा, सब आप भी जो है यूनिवर्स के ही बच्चे हो। द मोस्ट ऑफ देखिए, जो भी आपका डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो लाइफ का सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो अभी है आपका और वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी सभी को, जो भी यहाँ पे लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि जो अभी लाइफ का टाइम चल रहा है ना सबसे कठिन है, तो हो सकता है कि आपके ये जो लाइफ के कठिन पार्ट है ना, ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होंगे आपके लाइफ में और आप जो है खुश रहोगे, ठीक है। दो मैसेज आया है अगस्त एंड यहाँ पे फेयर मैन का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि अगस्त के मंथ में आप शायद किसी पर्सन से मिले हो, ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, शादी हो सकता है एक साल बाद इस पर्सन के साथ। और ये जो पर्सन होंगे मैं आपको बता देती हूँ लुक्स कैसा होगा ताकि आप जो है समझ पाओ, गेस कर पाओ। आपके जो पर्सन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका चेहरा कुछ इस तरह होगा, स्क्वायर शेप का। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में है, ऑनलाइन मिले हैं, अगस्त के मंथ में मिले हैं, या फिर बर्थडे अगस्त में हो सकता है, या फिर आपका बर्थडे अगस्त में हो सकता है। ये जो पर्सन होंगे ना गोरे होंगे, ठीक है, और इनका हेयर जो है ब्राउन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी नेक्स्ट ईयर अगस्त में हो और आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी फेयर होंगे, गोरे होंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे है फैन, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है वन ईयर फ्रॉम नाउ बहुत बड़ा चेंज होगा, ड्रास्टिक कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में। देन क्या आ रहा है आपके लाइफ में, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके ये कार्ड आया है आपके लिए, वो है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद आगे आने वाले टाइम में, वन ईयर फ्रॉम नाउ, या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करोगे, ठीक है, पैशनेटली किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, या फिर किसी के साथ जो है बहुत ज़्यादा नफरत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। या फिर दो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करोगे, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन इंटर करेंगे, उनसे शादी हो जाएगी आपकी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन रखोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन रखोगे। और वो भी एग्जैक्टली वाइस वर्सा की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन रखेंगे और पैशनेट लव होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो भी आपकी तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। तो ये चीज़ है, वन ईयर फ्रॉम नाउ आपकी तरफ एक पैशनेट लव आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पे लिली का कार्ड है। लिली का कार्ड ये बताता है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, जिस जो आपको वो प्यार दे रहे हैं, वो एक स्पिरिचुअल प्यार होगा, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, मतलब आप लोग ना सोलमेट मुझे दिखाई पड़ रहे हो बहुत सारे लोग, ठीक है। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वेल्थ, देखिए वन ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में बहुत सारे वेल्थ होंगे, पैसे होंगे, ठीक है। दो कार्ड्स और, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी गुड प्लान्स किया है, जो भी गुड प्लान करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उसके वजह से आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा और बहुत बढ़ चढ़ कर मिलेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका डॉल्फिन का कार्ड है, जिसके थ्रू यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप जो है ना, आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो आपको मिल रहा है, ठीक है। पास्ट के जितने भी दुख दर्द है, बैड एक्सपीरियंस है, उसको भूल कर, उस पर एक पर्दा डालकर, श्राउडेड करके, उसको जो है ना छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, केयर करोगे, वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जो कि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आपको अभी सही करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, मैं कुछ और भी मैसेजेस आपको बताऊंगी, क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ, वो है अचीवमेंट. ओके, तो आपको बहुत सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है. आपके जितने भी वरीज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है. आप आराम से सो पा रहे हो, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रोमांस का, रोमांस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए. ओके, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है. ये जो रोमांटिक कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब होगा, माइंड ब्लोइंग होगा, ठीक है, काफ़ी यूनिक होगा. एंड देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में वंडरफुल चेंजेस हो रहे हैं. जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हो ना, क्या होगा मेरे लाइफ में, कुछ नहीं होगा, आप गिव अप कर रहे हो. तो सबसे पहली बात, डोंट गिव अप, ठीक है, गिव अप मत कीजिए. क्योंकि आप जो है ना, अभी हो सकता है कहीं नहीं हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपकी अपनी पहचान होगी, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है. देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लक का, सडन चेंजेस होंगे आपके लक में, ठीक है. ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मैंने अपने लाइफ में भी देखा है. अगर मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताने बैठ जाऊँगी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन नॉर्मल सी बात है, मैं आपको समझा रही हूँ एक टीचर की तरह, तो आपको समझना चाहिए ये कि आप किसी का भी इंसान का, किसी का भी लक, वो अचानक से कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे कार्ड है आपका, दो कार्ड आया है, यहाँ पे आया है पर्सनल रिचनेस का कार्ड एंड लव का कार्ड. देखिए, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो अच्छा होगा, उसमें गेन होगा. देन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई इंटर करेगा, शादी होगी, अच्छे घर में शादी होगी, ठीक है. वो पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से गुस्साल या एरोगेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मनाना पड़ सकता है, लेकिन क्या ही कहना, प्यार तो बहुत करेंगे ना, पैशनेट तो बहुत होंगे. और ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, ये पर्सन आपको कहीं ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है, मैट्रिमोनियल पे. लव इज़ इन द एयर, यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. आगे आने वाले टाइम में जब आप रिलेशनशिप में आओगे तो वो पर्सन आपको ग्रेट कमिटमेंट देंगे, उस पर्सन से बहुत अच्छे से बातें होंगी और आपका रिलेशनशिप हायर लेवल पर जाएगा. कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है, वो ये है कि अगर आप बहुत सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हो तो 1 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है. ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी टाइम से चला रहा है, वो एक हायर लेवल पर जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है. ऑलराइट, सन साइन, आप जो है बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में. देन दो कार्ड और है, वो है आपके लिए मैनिफेस्टेशन, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, जो भी सपना है. एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका सरप्राइजेस, आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, ठीक है. ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है. जो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है. अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है. और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. देखते हैं पाइल टू के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं. हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल अर्थ गार्डियन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे. या फिर यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है एन से जेड के बीच आपका नाम पड़ता होगा, ठीक है. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है. तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है. मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ सबसे पहली बात, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है. कहने का ये मतलब है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ. सबसे पहली बात कि आपके मन में बहुत ज़्यादा जो टेंशन है फ्यूचर को लेकर, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में. इट मीन्स कि वो सुधर रहा है, तभी तो बैलेंस आ रहा है ना. तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा शांत हो रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर चल चुके हो, ठीक है. और कुछ लोग चल रहे हैं, अभी नहीं चले हैं तो चल रहे हैं,
ठीक है, इस वजह से आपके लाइफ में क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, शांति आ रहा है, ठीक है, यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है, लोग आपकी केयर कर रहे हैं, कोई ना कोई पार्टनर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पक्का फिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका जूडिक साइन पाइसिस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इमोशनल होंगे और सेंसिटिव भी होंगे, थोड़े पोसेसिव भी होंगे, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा टूट कर करेंगे और आप भी बहुत ज़्यादा उससे प्यार करोगे, वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उस पर्सन के साथ, एक स्पिरिचुअल पाथवे पे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके अंदर मैंने देखा इस कार्ड के थ्रू, वो ये है कि आप ना असल में प्यार क्या होता है ना, ट्रू लव क्या होता है, उसको फील कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे कि लोग तो रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं, आई लव यू कह देते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं होता, लेकिन आप वो लकी पर्सन हो, फील करने वाले हो कि सच में प्यार क्या होता है, उसकी रियलिटी क्या होती है, और सच में ट्रू लव होने से कैसा फील होता है, और ट्रू लव से भी बढ़कर यहाँ पे स्पिरिचुअल लव आपका दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये चीज़ क्लियर है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे ना, आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर वो आएंगे, ठीक है, आप शांत होगे, आपका दिमाग शांत होगा, बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर नहीं भी कोई आते हैं, आप सिंगल ही रहना चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे मन से लोगों की मदद कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, विजडम बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप बहुत रूड थे, बहुत घमंडी थे, गुस्से में बात कर लेते थे किसी से, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दिल से बात कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एंजल है काफ़ी ज़्यादा प्यार से कि सामने वाले से बात कर रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, कहा जा रहा है कि आपको ना अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो भी रहा है आपके लाइफ में। देन क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ गॉड गिव मी अ क्रिएट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह के ही कार्ड्स आ रहे हैं, एंड आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। पाइसिस, इनकी जोड़ी साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये है। एंड आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन है ना, डॉक्टर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप मेडिकल फील्ड की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ लोग अपना ऐसा दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर बनना चाह रहे हो, उसको लेकर आगे जाना चाहते हो, ठीक है, कहीं बाहर किसी कंट्री में जाना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड लोगों की सेवा करना चाहते हो, सर्व करना चाहते हो, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रू इंसान जो होता है, ह्यूमैनिटी को समझता है, वो चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जो है पैसे धन दौलत के पीछे नहीं, बल्कि आप ह्यूमैनिटी के पीछे और अपने सोल पर्पज़ के पीछे भाग रहे हो दिस टाइम। 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लाइफ में, आप खुद देखोगे। अब देखिए, धन दौलत के पीछे आप नहीं भाग रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हो, आप तभी भागोगे ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा और आपके पास पैसे होंगे वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो हर एक चीज़ आपके पास होगा, और फिर क्या होगा कि आप जो है अपने सोल पर्पस की तरफ चल पड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप जो है काफ़ी बोल्ड बनने वाले हो अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम में, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हज़ारों लोग आप पे डिपेंड होंगे कि आप जो है एक स्टेप लो, और आपके एक स्टेप लेने की वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो लोगों को, और बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, ठीक है। इसके थ्रू एक और मैसेज आ रहा है, वो ये है, अभी करंट सिचुएशन के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो और आपका ना बेवजह झगड़ा हो जाता है आपके पर्सन से, ठीक है, या तो आप लड़ लेते हो, शक कर लेते हो, या फिर आपकी पर्सन, तो ऐसा कहा जा रहा है गलतियाँ तो आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहे लेकिन नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि गलती आपकी है,
इसलिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बोल्ड बनिए, थोड़ा स्ट्रांग बनिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ना इसी तरह आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ भी होगा ना तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एक गुस्सा एक मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एरोगेंट मुझे दिखाई पड़ रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है, कभी आपकी गलती होती है तो आपको आगे बढ़ के माफ़ मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ तो हमेशा कर ही देते हो, ये तो है, इतना भी आप रूड नहीं हो, बहुत प्यारे हो, तो ये चीज़ है, माफ़ तो कर देते हो, लेकिन कभी कभी माफ़ी भी मांगना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से ज़िद्दी दिखाई दे रहे हो और अपने मम्मी पापा के बहुत प्यारे लाडले बेटे या बेटी हो, तो ये चीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा आप ज़िद्दी हो गए हो। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 साल के बाद ना आपके पेरेंट्स भी आश्चर्य करेंगे कि आप जो है इतने अच्छे, मतलब तो दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन बन जाओगे, इतने प्यारे हो जाओगे, ठीक है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगे, ठीक है। तो आपको भगवान ने अगर गुस्सैल बनाया भी है तो आप उस चीज़ से सीख रहे हो, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर आप में थोड़ा सा गुस्सा है, आप रिलेशनशिप बातों बातों पे ख़त्म करते हो, तो कहा जा रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा अपने आप को झुकाइए, और गलती होती है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे आप छोटे नहीं बल्कि बड़े बनोगे, बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान जो है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। और क्या है, और यहाँ पे है प्रॉस्पिरिटी आपके लाइफ में, 1 ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरिटी होंगे। देखिए आप जो है रिच हो दिल से, ठीक है, ये चीज़ है कि आप जो है ना काफ़ी जल्दी बुरा भी मानते हो, ठीक है, काफ़ी जल्दी आप जो है हर्ट हो जाते हो, कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, लूटने वाली आप में जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी बचपना है वो धीरे धीरे आपकी गायब हो जाएगी, आप मेच्योर हो जाओगे, एंड आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरिटी आ रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ इंटरेक्ट कर जाओ, उनके साथ रहने लगो, नेचर में रहने लगो, नेचुरल प्लेस पे घर आपका बन जाए, आप वहाँ पे अपना घर बनाकर रहने लगो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी है ना थोड़ी बहुत भी, तो वो जो है कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा भी लेवल कम है ना तो फुल हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन हाँ जितना कॉन्फिडेंस एक इंसान में होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में बहुत क्या है, सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन जब आप कुछ परफॉर्म करने जाते हो, कुछ करने जाते हो या रिप्रेजेंट करने जाते हो, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आप घबरा जाते हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत सक्सेसफुल होने लगोगे, आप सक्सेस हासिल करने लगोगे अपने लाइफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जोडियक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आप थोड़े गुस्सैल तो हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत शार्प माइंडेड भी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अगर कोई काम करना चाहोगे ना तो पूरे डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ कर सकते हो, ये एनर्जी है आपके अंदर, मैं देख रही हूँ, ठीक है। और इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ हासिल करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। यहाँ पे इस तरह से नहीं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कहा जा रहा है कि आपके जो भी सपने हैं उस पर आप यकीन रखिए, आपके हर एक सपने पूरे होंगे। आपका अगर सपना है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर शिफ्ट हो जाऊं, बाहर रहूं, ठीक है, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, नेम फेम मिल जाए मुझे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है वो हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। हिम्मत रखना है और स्ट्रेंथ के साथ साथ फेथ भी रखना है अपने ड्रीम्स पे, और ये जो फेथ है ना आपको भगवान पे भी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा करने वाला भगवान ही है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, ओके। यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई दे रही है आपके अंदर, ठीक है, तो आप लोग अपने निगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके लाइफ में कोई निगेटिव पर्सन है जो कि आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, निगेटिव करते हैं, आपके लाइफ में वो रहेंगे भी नहीं, 1 ईयर फ्रॉम नाउ कहीं नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। वो जो पर्सन होगा ना जो आपकी लाइफ को निगेटिव बनाता है, उनका जूडिक साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, जो कि काफ़ी सिक्रेटिव पर्सन है, ठीक है, जिसका इंटेंशन बुरा है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो कि आपके पर्स
आपके लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करना चाहते हैं, ठीक है, आपको निगेटिव बनाना चाहते हैं, निगेटिविटी में हमेशा रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, आगे बढ़ सकते हो, इसलिए जेलस फील करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान को हमेशा अपने होश हवास में रहना चाहिए, मतलब अपने एबिलिटी को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है, चाहे सामने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, ठीक है, बुरा लगता है, मैं समझ सकती हूँ, अगर वो आपके बारे में बुराई कर देता है, लुक्स के बारे में या फिर टैलेंट के बारे में कुछ कह देता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता या फिर तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है, तो बुरा लग जाता है सभी को, ठीक है, कुछ देर के लिए बुरा लगता है या कुछ दिनों के लिए लगता है बुरा, लेकिन आप खुद को देख रहे हो ना आईने में, आप खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, तो ये भी चीज़ देखिए, ठीक है, खुद पे भी बिलीव रखिए, अपने आईज़ पे भी यकीन रखिए आप लोग, ठीक है, किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी तो है, एक बार आप सोच कर देखिए कि वो जो बोल कर जा रहा है, कहीं ये भी तो नहीं है कि कहीं वो मुझसे जेलस फील कर रहा है इसलिए ऐसा कह रहा है मुझे निगेटिव करने के लिए, ठीक है, इसलिए कोई भी किसी के बात पे आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, स्पेशली आपके बारे में अगर कोई बुराई करे तो कान बंद कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स है उसके लिए आप बहुत सीरियसली काम करोगे, ठीक है, उसके लिए सच में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपका ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कार्ड भी है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल टाइम है, अभी काम करोगे तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, इसलिए आप बैठे ना रहे, मेहनत कीजिए और मेहनत जितना मेहनत करना है करते जाइए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए श्री कृष्ण पे, ठीक है, डिवाइन पे, जो भी भगवान को मानते हो, वाहे गुरु, अल्लाह, जीजस, जिसे भी आप मानते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप जो है यूनिवर्स को मानते हो, ठीक है, किसी भगवान को मानते ही नहीं हो, एथिस्ट हो, तो यहाँ पे आप जो है डिवाइन पे अपनी सारी चीज़ें सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो जो डिवाइन है ना वो हर कुछ देगा, अगर वो आपको जन्म दिया है, इस दुनिया में भेजा है, तो डेफिनेटली आपको वो प्रोटेक्ट भी करेगा एंड आपके ड्रीम्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, वो सब कुछ देगा वो आपको। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कम्युनिकेशन इसकी, यहाँ पे बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है ना अपने किसी पार्टनर से, पुराने पार्टनर से 1 साल बाद बात करने वाले हो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी हो सकता है किसी से आपका झगड़ा हुआ है, तो इसी पार्टनर से आप जो है 1 साल बाद बात करोगे, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। साथ साथ करंट के लिए भी मैं अभी बता देना चाहूँगी, करंट आपका जो चल रहा है वो ये है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप लेना चाहिए, गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और चाहते हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो इसके लिए बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को ठीक करना है, सुधारना है, तो इसका सबसे अच्छा चाबी की कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है, ठीक है, अगर हज़ारों, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ना कि झगड़ा ना करके उसके बीच में जो है सुलह कर ले, बात करके, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप सुलह करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो ना झगड़िए, बल्कि आप लोग बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन करने से ही तो समझ में आएगा ना कि क्या वो सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, और जो भी मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है तभी तो क्लियर होगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप आपका ख़राब चल रहा है, आप दूर हो और दूर हो के भी तड़प रहे हो, चाहते हो उनसे बात करना, तो बात कीजिए, एक स्टेप लीजिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, ये आपके लिए कार्ड भी आया है। देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके, एक और कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है आपका, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन करता है, ठीक है, या करती है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके लिए फिर से इन्फॉर्मेशन आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कभी भी प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दे, अपने सक्सेस में, अपने करियर में, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा नीचे गिरा सकता है, डुबा सकता है, ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस वुमेन होते हैं ना, तो वो लोग इतने रिच होते हैं लेकिन फिर भी जो है लोगों से हम्बल होकर बात करते हैं, आप क्यों, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी को दिखाता है, ठीक है, अगर वो जो है हम्बल होकर नहीं बात करेंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, अपनी गुस्से को, अपने रिचनेस को और घमंड दिखाने लगेंगे ना, तो शायद
ऐसा हो सकता है कि सभी लोग उनको अनफॉलो कर दें या उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ दें। ठीक है, तो एक अच्छा मतलब जो तेज तर्रार इंसान होता है, बड़ा बिजनेस मैन बिजनेस वूमेन होते हैं, तो उन लोगों को आइडिया होता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने रास्ते में, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको हमेशा हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, सभी से प्यार से बात करना है। ये इसलिए नहीं बल्कि मतलब ये डर से आपको नहीं करना है कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा या मेरा बिजनेस ख़राब हो जाएगा, इस ये सोच के नहीं, बल्कि आपको पूरे दिल से भगवान का नाम लेके एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी को फैलाने के लिए आपको एक दिल से अच्छा इंसान बन के सबसे अच्छे से बातें करनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग सोचते हो कि मुझ में बहुत कमी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली कन्या राशि के लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सभी लोग हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग में ये चीज़ है कि आप लोग अपने में कमी भी ढूंढते हो, स्पेशली लुक्स को लेकर। तो कहा जा रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, ठीक है, और भगवान ने आपको बनाया है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए आपको अपने कमी नहीं ढूंढनी बल्कि आपको अपने से प्यार करना है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जब 1 साल होगा, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आपके लाइफ में वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके अंदर डायनेमिक एनर्जी होगी, पावरफुल एनर्जी होगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बिल्कुल अपने गोल के करीब रहोगे, मतलब सब कुछ अचीव कर चुके होंगे। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर सक्सेस, ठीक है, अचीविंग योर गोल। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोग, हो सकता है 1 साल के अंदर ही, 1-2 मंथ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में मिल जाए। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको और बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे फैन का कार्ड आया है और फैन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ना रोमांटिक लव साइकिल शुरू होने वाला है, रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, एंड पार्टी भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ठीक है, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है स्पिरिचुअल लव का, ये लीली का कार्ड ये बता रहा है कि आप जिससे प्यार कर रहे हो वो पर्सन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि आप दोनों के जो बीच का प्यार है वो एक स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, क्या है, स्पिरिचुअल लव है, तो आप दोनों के बीच में कभी कोई आ नहीं सकता। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने फैमिली के सारे इशू प्रॉब्लम्स को जो है ना ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली के भी बहुत सारे इश्यू हैं, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप अपने फैमिली को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हो, एक अच्छा लाइफ दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फेब्रवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि फेब्रवरी मंथ में आपको जॉब लग जाए, आपकी शादी हो जाए, एंड यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल गेन हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबल हो रहे हो, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, मेहनत किया, उसकी वजह से भी आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ क्या हो रहा है, हासिल हो रहा है, मिल रहा है। ओके, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम करने जाओ तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको पहले उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहिए, देन आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी की मदद भी करने जा रहे हो ना, तो आजकल आपको सोच समझ कर मदद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड जो है आ चुके हैं। आप एग्जांपल कमेंट में ही देख लो। ठीक है, मतलब आपको बोलेंगे कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नंबर डालकर चले जाते हैं किस तरह से, तो ये सब फ्रॉड है ना। तो वैसे लोगों से आपको बच के रहना है, कहीं मदद भी कर रहे हो तो आपको ध्यान से मदद करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायमंड का कार्ड है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको एक डायमंड रिंग भी दे सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, वो एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, मतलब आपके तरफ से और उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है गिफ्ट, एंड काफ़ी प्रीसियस गिफ्ट आपको मिलने वाला है आपके लाइफ का। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे एप्पल का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो है थोड़ा गुस्सा भी टेस्ट किया जा सकता है भगवान के द्वारा। ठीक है, आपका जो प्राइड है वो भी भगवान के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है।
कहने का ये मतलब है वो चेक करेंगे कि क्या आप सच में पहले की तरह हो या फिर अच्छे हो चुके हो, हम्बल सच में हो चुके हो। तो भगवान को पता ये चलेगा कि हाँ आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप चेंज हो चुके हो। देन यहाँ पे हार्ट का कार्ड है, डीप अफेक्शन लव एंड केयरिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपकी शादी होती है फरवरी मंथ में, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी बहुत प्यार होगा, ठीक है, स्पिरिचुअल लव होगा क्योंकि स्पिरिचुअल लव का कार्ड भी आ चुका है। एंड आप दोनों के बीच में डीप अफेक्शन, डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, केयरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे मई, कुछ लोगों के लिए मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है कि मई मंथ में आपकी शादी हो, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो है हैप्पीनेस का, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और ये जो खुशी है ना हर तरफ से आ रही है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये खुशी। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बहुत सारे लोगों के लिए कॉल लेटर, जॉब के लिए कॉल लेटर वगैरह आपका आ सकता है, कोई अच्छा न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिले आपके फेवर में, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं ना, बताया जा रहा है कि वो सारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं एंड ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में क्या आ रही है, मैरिज। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा हैप्पीनेस का कार्ड है, लेकिन हैप्पीनेस का कार्ड तो पहले ही आ चुका है। यहाँ पे है मैरिज का कार्ड, आपकी शादी डेफिनेटली होकर रहेगी और फेबररी या मई में हो सकती है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इस साल में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। देन क्या है आपके लिए मैसेज, ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई पर्सन जो है चला जाए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे, वो जो पर्सन होंगे आपसे थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे ब्रोकन रिंग का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है शायद अभी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, बार बार ये चीज़ आ रहा है, वो आपके साथ शायद ना रहे, ठीक है, उनके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग ना चले रिलेशनशिप, उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप बहुत बुरा चल रहा है। अब आपको फील हो चुका है कि आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो सच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके जो पार्टनर है कार्मिक है, उनके साथ न्यू रिलेशनशिप जो है शुरू होगा नहीं, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, कोई चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे, ठीक है, इसलिए ब्रोकन रिंग का कार्ड आया है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई नए पर्सन आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे और वो थोड़े बड़े होंगे। यहाँ पे न्यू जॉब न्यू करियर का कार्ड आया है, इसके थ्रू ये भी पता चलता है न्यू से कि न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा, न्यू पर्सन होंगे, न्यू जॉब मिल रहा है, न्यू करियर आपको मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस जॉब में भी हो उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो कोई अच्छा जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एंट है और एंट जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहे हैं एंड सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, 2 लास्ट कार्ड है वो आपका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी अपने लाइफ में काम कीजिए अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, देखिए ध्यान से, पहले सबको देखिए अपने आँखों से समझिए, ठीक है, फिर कोई स्टेप लेना है, ये चीज़ है यहाँ पे। देन इन्फॉर्मेशन है, ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके लाइफ से कोई जा रहा है और क्या हो रहा है कि सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन जो है ख़त्म हो रहा है, तो आप जो ये कार्मिक रिलेशनशिप में अगर फंसे हुए हो ना, तो ये ख़त्म हो सकता है आपका, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लव का एंड सक्सेस का। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो लव लाइफ चल रहा है, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे से हैं, बहुत स्मूथ चल रहा है, या फिर अगर आपका हाल फिलहाल में रिलेशनशिप शुरू होगा या होने वाला है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपका लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है। ये तो लव की बात हो गई कि आपको एक स्पिरिचुअल प्यार करने वाला पर्सन तो मिलेगा, साथ साथ आप अपने लाइफ में खुद भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है, और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं एंजल्स, गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
अचीवमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप खुद भी अच्छे रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, जैसे कि कभी कभी सोना, मतलब सो तो जाओगे लेकिन लेट से सोगे रात में, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेजर लाइफ चेंजेस होंगे, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके लोकेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल कहने का मतलब है जैसे आप खाना पीना जो आपका चल रहा है उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हो तो जिम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो भी ट्रबल है ख़त्म हो रहे हैं और उसके बदले आपके लाइफ में ग्रेट जॉय आ रहा है, साथ साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल तब चेंज होगा जब आप ट्रैवल करके कोई और स्टेट या फिर कोई और कंट्री में चले जाओगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हायर लर्निंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर जा रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हो रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का था, ठीक है, जो आपका फ्रेंडशिप था ना वो फ्रेंडशिप ख़त्म होके और भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन फ्रेंडशिप जो है काफ़ी और अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे या फिर आप उनको बहुत सपोर्ट करोगे, इस वजह से ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। नेचर में आप जा रहे हो, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी सोल की और आपकी खुद की बॉडी की हीलिंग हो रही है। अगर आपका कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वो ख़त्म हो रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका सोल भी हील कर रहा है। जो भी आपके अंदर कमियाँ थी, कमी सबके अंदर होती है, आपकी जो कमी थी वो थी गुस्सा, ठीक है। तो वो गुस्सा जो है आप ख़त्म करने वाले हो, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। एंड चेंजेस तो हो रहे हैं आपके रेसिडेंस में, आपके पार्टनर में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पार्टनर में चेंजेस होंगे ही होंगे, यानी इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेसिडेंस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, पार्टनर में, करियर में, जॉब में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके करियर में भी, पार्टनर में भी, और आप जहाँ रह रहे हो लोकेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहे हैं, होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।